आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय शरद यादव का इंदौर एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मऊ से भी खासा लगाव रहा है। श्री यादव ने मऊ के सिड्रस इंटरनेशनल स्कूल में 4 प्रतिमाओं का अनावरण किया था, जिसमें ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मदर टेरेसा की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रकार श्री यादव ने जिस स्कूल में प्रतिमाओं का अनावरण किया था, मंगलवार को उसी स्कूल में गणमान्य अतिथियों, सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के पदाधिकारियों, स्कूल स्टाफ एवं विद्यार्थियों द्वारा श्री यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के राष्ट्रीय प्रभारी हुकुमचंद जादम सैनी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मऊ के सिड्रस इंटरनेशनल स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसमें श्री शरद यादव ने अपने जीवन काल में पहली बार प्रतिमाओं का अनावरण किया था। आज श्री शरद यादव को श्रद्धांजलि के दौरान मुख्य रूप से यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव, सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रभारी हुकुमचंद जादम सैनी, प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका, कार्यालय प्रभारी यतेंद्र चौहान, सिड्रस स्कूल के डायरेक्टर रवि चंद्र सरेनु, चंद्रशेखर लहरे, अनिल कुमार शिंदे मुख्य रूप से उपस्थित थे। मेरा ये कहना है कि शरद यादव जी एक ऐसा व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने पूरे जीवन काल में शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए अपना जीवन लगाया। हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर आगे उनके कामों को पूरा करें, यही मेरा आज आपके माध्यम से इस देशवासियों के लिए संदेश देना चाहता हूं कि शरद यादव जैसे लोग सदियों में ही जन्म लेते हैं, उनके इस संघर्ष के लिए हम सब लोग बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कि हमें सत्यशोधक समाज जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेनर सुनील सरदार, उन्होंने मुझसे कहा, बोले कहाँ से शरद यादव जी से अपन मूर्तियों का अनावरण करवाएंगे, तो यहाँ पर जो हमारे डायरेक्टर जी रविन्द्र चंद्र सरेनु हैं, इन्हीं का स्कूल है, इन्हीं की देखरेख में चलता है, तो इन्हों से हमने आग्रह किया, निवेदन किया, तो 4 प्रतिमा लगी। शरद यादव जी ने जीवन में कभी प्रतिमाओं का अनावरण नहीं किया, पहली बार उन्होंने अनावरण किया और यहाँ पास में कुछ लोगों का आश्रम है, वो भी उन्होंने उद्घाटन किया था। उन्होंने यही कहा, बोले मैं देखने आया हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे मूर्तियाँ लगाई है। तो जब उन्हें मालूम पड़ा कि महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, मदर टेरेसा की प्रतिमा लगी है, तो यहाँ आए तो बड़े खुश हुए और कहा जीवन में मेरा जो काम था, जो कारवा था, मेरा सफल हुआ। उस सफल के साथ साथ में अभी हम 2-3 साल पहले जब मुलाकात हुई थी, जब बीमार नहीं थे शरद यादव जी, उनसे हमने आग्रह किया था और मेरे एक निवेदन पे जगदीश यादव जी मतलब यहाँ आ गए। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ और इस स्कूल के भी खुश नसीब हैं। लेकिन शरद यादव जी से हमारा एक निवेदन था कि यादव ही रेजिमेंट जो बंद पड़ा है, उस रेजिमेंट को चालू करवाया जाए, लागू करवाया जाए। तो उन्होंने कहा था, बोले मैं तबीयत ज़रा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, फिर अपन मुलाकात करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे भी सही जो मंत्री संतरी होंगे या राष्ट्रपति होंगे, उनको आवेदन देंगे, निवेदन देंगे कि भाई यही रेजिमेंट लागू किया जाए। तो मैं यही कहूँगा कि आज जो यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है,
वो हमारे जो भैया हैं रविचंद सरेनू, इनके नेतृत्व में हमने श्रद्धांजलि दी सीटेस इंटरनेशनल स्कूल। यादव समाज के नायक शरद यादव जी को चरणों में नमन करता हूँ। उनके कर्म कमाल पे जो काम किए हैं उन्होंने, उनका मुकाबला तो शायद ही कोई कर पाएगा, और उनके जो अधूरे सपने हैं वो हम पूरे करेंगे। सत्य समाज ओबीसी पिछड़ा वर्ग के वर्ष में श्रद्धांजलि बनकर।